चलिए बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 6 सितंबर 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे संबंधित सारी जानकारी विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। एक बार पुनः आप सभी को बता दूं, इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके बिहार के सभी प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला में आप बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे प्रश्नों का संग्रह देखते हैं जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आपकी बहुत बहुत हेल्प करने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे पिछले वीडियो में पूछा गया था। ये प्रश्न था कि हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता अर्थात बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पंकज त्रिपाठी। कंप्लीट जानकारी यहां पर हमने आपको दिया था, पंकज त्रिपाठी से संबंधित हमने जानकारी आपको दिया था। ये सभी बातें आपको ध्यान रखना, ये संबंधित है 67वें फिल्मफेयर अवार्ड 2022 से। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है आप लोग से कमेंट बॉक्स में लिखें और सभी चीज़ों को विस्तार पूर्वक लिखें। और इसके अलावा हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल्स और नोट्स वगैरह है सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर एक भारी डिस्काउंट आपको मिल रहा है सभी कोर्स पे। आप वहाँ पर जाइए, तकरीबन 70% तक का डिस्काउंट आप सभी कोर्स में उठा सकते हैं। तो ये ऑफर 5 और 6 सितंबर 2022 तक वैध है, यानी कि आज मध्यरात्रि 12 बजे तक ये ऑफर आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग जाइए वहां पर पार्टिसिपेट करिए और हजारों विद्यार्थियों के बीच टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके अपनी तैयारी का आकलन कीजिए। चलिए अब यहां पर हम आ चुके हैं आज के इस वीडियो के सबसे पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है। इस प्रश्न को आप इम्पोर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में रखेंगे। तो इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निहारिका कुमारी, जो कि मधुबनी की रहने वाली है। अब यहाँ पर देखिए, मैं आपको संबंधित सारी जानकारी दे दूं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत कक्षा 10वीं की छात्रा निहारिका कुमारी का चयन किया गया है। ये इम्पोर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। और यहीं पर हम बात करें इनसे संबंधित कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट की, तो वेट लिफ्टिंग ट्रिक्स प्रोजेक्ट के लिए इनका चयन किया गया है, जो 10वीं की छात्र है और ये रहने वाली है मधुबनी की। ठीक है, तो इतनी सारी बातें इनसे संबंधित है जो कि आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखिए, मधुबनी से संबंधित कुछ चीजें और भी हमने शामिल किया है कि पिछले वर्ष 2021 में दुलारी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। यही जानकारी आप यहाँ पर इस वाले पॉइंट में देख रहे हैं कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जो कि भारत के 14वें राष्ट्रपति थे, हालांकि अभी जो भारत के राष्ट्रपति है वर्तमान में ये है द्रौपदी मुर्मू और भारत की 15वीं राष्ट्रपति है ये। तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 नवंबर 2021 को जिन 145 लोगों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया उनमें बिहार के मधुबनी जिले की रांटी गांव की दुलारी देवी भी शामिल है। और इसी के तहत हमारा अगला पॉइंट है कि दुलारी देवी को बिहार की मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पहले स्थान पर आता है भारत रत्न, दूसरे स्थान पर आता है पद्म विभूषण, तीसरे स्थान पर आता है पद्म भूषण और चौथे स्थान पर आता है पद्मश्री। तो पिछले वर्ष 2021 में जो 145 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनमें से बिहार की दुलारी देवी भी शामिल थी। तो इस तरह से चीजों को चेन बनाकर अगर आप याद रखेंगे तो एग्जाम पर्पज से आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब यहाँ पर प्रश्न पे नजर डालेंगे तो आप जो प्रश्न देख रहे हैं इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रश्न आपके बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में पूछा गया था। वहां पे प्रश्न था कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से बिहार के किस छात्रा को सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। आपको मैंने बताया था कि पल साक्षी और धीरज कुमार को ये अवार्ड यानी कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हुबहू ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। बिहार जीके नहीं बल्कि बिहार करंट अफेयर्स या फिर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने प्रश्न बीपीएससी ऑडिटर वाले एग्जाम में पूछे गए हैं वो कंप्लीट चीजें हमने आपको विथ प्रूफ दिखाया है कि लगभग सारे करंट अफेयर्स, 3 या 4 करंट अफेयर्स को छोड़ के सारे करंट अफेयर्स हमारे नोट से आए हैं। हालांकि हम बात करें बिहार करंट अफेयर्स की तो सारा का सारा बिहार करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको डायरेक्टली तौर पर देखने को मिला है कि हमारे नोट से पूछे गए हैं। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जितने भी बाजार में महंगे से महंगे करंट अफेयर्स की पत्रिकाएं जो उपलब्ध है आप लोग उसे इतना पैसा खर्च करके पढ़ रहे हैं तो एक बार हमारे इस नोट्स को जरूर देखिएगा। ये नोट्स आपके कितने उपयोगी होंगे आपके लिए ये बात आप नोट्स को देख के ही समझ पाएंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर चीजों का वर्णन होता है, यहाँ पर समग्र विश्लेषण जो आपको प्रस्तुत किया जाता है ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। तो इस बात का ध्यान रखिए, इस चीज को आप यहाँ पर अगर फॉलो करेंगे तो आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होगा। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है।
प्रश्न है कि शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को यानी कि 5 सितंबर 2022 को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर नोट कीजिएगा, राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात किया जा रहा है यानी कि राज्य स्तरीय। हालांकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में हमने आपको जानकारी दिया था, लेकिन यहाँ पे प्रश्न में है राजकीय शिक्षक पुरस्कार। तो राजकीय शिक्षक पुरस्कार की बात करें तो कुल मिला के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि 2021 में भी 20 शिक्षक को ही ये सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर इस प्रश्न की कंप्लीट जानकारी मैं आपको दे दूँ तो हमारा पहला पॉइंट है कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में आयोजित समारोह में 20 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गांधी मैदान के जस्ट बगल में ये श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल है, यहीं पर कह सकते हैं एक समारोह में बिहार के 20 शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऐसे में आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें और भी ध्यान रखना है कि इन 20 शिक्षकों में 9 शिक्षिकाएं और 11 शिक्षक शामिल हैं। प्रत्येक शिक्षक को प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और 15,000 रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया। तो पुरस्कार के रूप में क्या चीज़ें प्रदान की गई है ये भी आप याद रख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कितने शिक्षकों को ये सम्मान मिला है और इसमें कितनी पुरुष और कितनी महिला शिक्षक शामिल हैं। अब यहाँ पर हम अगले पॉइंट की बात करें तो हालांकि ये जानकारी हमने आपको दिया था लेकिन पुनः यहाँ हमने इसे ऐड किया है कि जबकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से बिहार के 2 शिक्षक को सम्मानित किया गया है। कंप्लीट जानकारी हम यहाँ पर अगले तीसरे प्रश्न में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर एक जानकारी ये भी ध्यान रखिए, जो शिक्षक को सम्मानित किया गया है बिहार के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से, तो बिहार सरकार के द्वारा कुल 6 शिक्षकों की सूची को भेजा गया था, तो उनमें से 2 शिक्षक को ही मतलब सेलेक्ट किया गया राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए। बाकी 4 शिक्षक जो रह गए तो उनमें से आपको ये ध्यान रखना है कि 4 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यानी कि कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अभी हाल ही में जो 20 शिक्षक को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया तो इनमें वो 4 शिक्षक भी शामिल है जिनका जो नॉमिनेशन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए हुआ था, जो बिहार सरकार की तरफ से सूची भेजी गई थी केंद्र सरकार को। अब यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के बारे में भी हमने इस प्रश्न को शामिल कर दिया है, इसलिए शामिल किया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो तीसरा प्रश्न हमारा है कि इस वर्ष 2022 में देश भर के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कुल मिला के बात करें पूरे भारत के सभी राज्यों की, तो आपको ध्यान रखना है पूरे भारत से कुल मिला के 46 शिक्षकों का जो चयन किया गया था, इन्हें अभी हाल ही में 5 सितंबर को ये सम्मानित किया गया है। तो 46 शिक्षक इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। कंप्लीट चीज़ें आप यहां पर देख रहे हैं कि इस वर्ष देश भर से 46 शिक्षकों का चयन राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए किया गया और इन शिक्षकों को विज्ञान भवन में 5 सितंबर 2022 को सम्मानित किया गया है। और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए बिहार से 2 शिक्षकों का चयन किया गया और यहाँ पर बिहार के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो इसमें पटना की शिक्षिका निशी कुमारी और त्रिवेणीगंज सुपौल के शिक्षक सौरभ सुमन शामिल है। यानी कि बिहार के 2 शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए आगे हमने उसी बात का जिक्र किया है कि हालांकि बिहार सरकार द्वारा बिहार से 6 शिक्षकों का नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा गया था लेकिन 2 शिक्षक को ही चयनित किया गया, लेकिन जो 4 शिक्षक बचे तो शेष 4 शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार और राजकीय शिक्षक पुरस्कार से संबंधित था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, ये आपके एग्जाम में पूछे जाने की यहाँ पर कह सकते हैं प्रबल संभावना बनती है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला चौथा प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा खबरों में था कि जिस वजह से हमने यहाँ पर इसे शामिल किया है। प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस तरह का जो क्रेडिट कार्ड है पहली बार भारत में लॉन्च किया गया है SBI अर्थात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा इसमें पहला पॉइंट है कि हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने कैशबैक कार्ड लॉन्च किया है, जो कि आपको ध्यान रखना एक प्रकार से ये क्रेडिट कार्ड है। और यहाँ पर हमारा जो अगला पॉइंट है कि यह कार्ड हर कार्ड धारक को बिना किसी मर्चेंट प्रतिबंध के सभी ऑनलाइन खर्चों पर 5% तक का कैशबैक देगा। अर्थात यहाँ पर अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो कार्ड होल्डर कहीं से भी कोई भी कंपनी से भी सामान खरीदे तो उसको 5% तक का कैशबैक दिया जाएगा। देखिए कैशबैक को लेकर के बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कंपनियों की, बैंकों की, जो यहाँ पर जो सिंपल सा बात अगर हम आपको कहें तो जो कैशबैक आपको मिलता है उसमें कंडीशन ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई सिलेक्टेड कंपनी का प्रोडक्ट है तो उसी को खरीदेंगे उसके बाद ही आपको कैशबैक दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए हम बात करें कोई टी शर्ट है कोई कंपनी का जैसे कि पूमा का,
तो वहाँ पर जो आपको कूपन या फिर कैशबैक मिलता है तो उसी कंपनी का जो प्रोडक्ट आप परचेज़ करेंगे तभी आपको कैशबैक मिलेगा। लेकिन SBI के द्वारा जो भी हाल ही में ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया कैशबैक क्रेडिट कार्ड, तो इसमें इस प्रकार की कोई भी मर्चेंट प्रतिबंध नहीं रहेगी कि आप फलाना कंपनी का खरीदिए वहीं पर आपको कैशबैक मिलेगा, ऐसा कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इस वजह से ही हमने इसे यूनिक बताया था और आपको बताया था कि इस तरह का पहल भारत में पहली बार किया गया है। तो इस बात का यहाँ से ध्यान रखिए, ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि इसके लिए आपको एडिशनल चार्ज देना होगा, ये सालाना चार्ज है, उसी की जानकारी यहाँ पर अगले पॉइंट में आप देखेंगे। हालांकि इस कार्ड के रिन्यूअल के लिए कार्ड होल्डर्स को एक साल में 999 रुपये चार्ज और उस पर लागू टैक्स देना अनिवार्य होगा, जिसके बाद ये सारी सुविधाएँ मिलेंगी। तो तकरीबन मान के चलिए यहाँ पर 1000 रुपये और साथ ही साथ जो उस पर लागू टैक्स होगा, जो भी टैक्स होते हैं, जो संबंधित टैक्स होंगे, तो उन पर यहाँ पर कह सकते हैं पूरी राशि उन्हें देना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ पर इनसे संबंधित आप याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है बैंक की, तो बैंकों की जो सर्वोच्च संस्था है भारत में ये है RBI अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक। तो इनसे संबंधित कई सारे प्रश्न एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उसे हमने यहाँ पर शामिल किया है। तो RBI की बात करें तो RBI का पूरा नाम होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी, ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यानी कि 1934 के एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना हुई थी। RBI की बात करें तो यह भारत का केंद्रीय बैंक है और यह भारत के सभी बैंकों का संचालक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को भी नियंत्रित करता है, ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन स्थापना के 2 वर्ष बाद 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। तो ये सारी बातें इनसे संबंधित है। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला कि RBI की गवर्नर की जो नियुक्ति होती है वो वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। RBI के प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ताड़ का पेड़ और बाघ, जो कि आप यहाँ पर इस लोगो में देख सकते हैं, ये RBI का लोगो है और यहाँ से आपके प्रश्न NTPC वाले एग्जाम में बने थे। अभी हाल ही में जो NTPC का एग्जाम आयोजित हुआ था CVT 2, वहाँ पर इससे इस लोगो से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इस बात का ध्यान रखें, प्रतीक चिन्ह की बात करें तो ताड़ का पेड़ और बाघ RBI का लोगो है। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है मुख्यालय। तो RBI का हेडक्वार्टर अर्थात मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान में जो इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास हैं और ये 25वें गवर्नर हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि वो उर्जित पटेल की जगह पर हैं। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ से ध्यान रखें, उर्जित पटेल जो RBI के गवर्नर थे ये 24वें गवर्नर थे। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को चेन बना के आप याद रखेंगे तो चीज़ें याद रखना आपके लिए कहीं ना कहीं आसान रहेगी। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला हमारा 5वां प्रश्न है कि हाल ही में किन्हें संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है। तो संसद टीवी के CEO की बात करें तो अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है उत्पल कुमार सिंह की। तो ऑप्शन नंबर C यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट है कि पिछले वर्ष मार्च 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी का गठन किया गया था और यह चैनल भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रोग्रामिंग प्रसारित करता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मार्च 2021 में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर के संसद टीवी का गठन किया गया था और गठन के बाद आपको ध्यान रखना है कि इसके बाद उस समय भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात CEO नियुक्त किया गया था। लेकिन अभी हाल ही में इनका कार्यकाल समाप्त हो गया और ऐसे में आप यहाँ पर याद रखेंगे कि अब उन्हें सेवा मुक्त करते हुए वर्तमान में लोकसभा महासचिव का पद संभाल रहे उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी के CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पर आई होप कि याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान समय में जो संसद टीवी के CEO नियुक्त हुए हैं यह उत्पल कुमार सिंह और इनसे पहले जो थे जो 2021 में नियुक्त हुए थे ये थे रवि कपूर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि संसद टीवी के जो पहले CEO थे ये थे रवि कपूर और दूसरे CEO बने हैं उत्पल कुमार सिंह। नेक्स्ट होगा यहाँ पर हमारा 6ठा प्रश्न। ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से कहाँ पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दुबई। संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई और यहीं पर कह सकते हैं ये सम्मेलन आयोजित हुआ है। और यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट है कि होम्योपैथी के गौरव के लिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण दुबई संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया है। नोट कीजिएगा, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दुबई और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह इसका पहला संस्करण था। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि शिखर सम्मेलन का आयोजन बर्नेट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था।
तो ये कह सकते हैं आयोजन करता है, तो इनका भी नाम यहाँ से ध्यान रखिए। अब इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य चिकित्सा दवाओं और प्रथाओं की होम्योपैथिक प्रणाली को शिक्षित करना और बढ़ावा देना है, ये इसका मूल उद्देश्य है जिसको लेकर के अभी हाल ही में इसका आयोजन हुआ है। अब यहाँ पर अगले पॉइंट में हम इसके विषय की चर्चा किए हैं, यानी कि इस सम्मेलन का विषय क्या है, किस पर यह आधारित था, विषय यानी कि थीम की यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो इस वर्ष 2022 के इसके पहले संस्करण के थीम की बात करें तो जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले रोग, ये इसका कह सकते हैं थीम है, इसी विषय पर इसमें चर्चा किया गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले सातवें प्रश्न पर। हमारा सातवां प्रश्न भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न की हाल ही में चर्चे में रहा सिनर्जी निम्नलिखित में से क्या है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज कर जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए पहले ही ऑप्शन में डाल दिया है उच्च कोटि का ईंधन, क्योंकि एक नए ईंधन के रूप में सीएनजी का प्रयोग अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऐसे में इस वजह से आप यहाँ पर कन्फ्यूज ना होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको ध्यान रखना सीएनजी नहीं लिखा गया बल्कि सिनर्जी लिखा गया है। तो सिनर्जी की बात करें तो यह एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है जो कि अभी भारत द्वारा आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नोट कीजिएगा, एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि यहां पर सीएनजी नहीं बल्कि सिनर्जी लिखा गया है। अब यहां पर हम इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हमारा यहां पर पहला पॉइंट होगा कि सिनर्जी भारत द्वारा आयोजित एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है, और इसके तहत आपको याद रखना है कि इसका आयोजन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया यानी कि CERTIN ने इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव के हिस्से के रूप में 13 देशों के साथ किया है। यानी कि यहां से आपको ये याद रखना है कि भारत द्वारा अन्य 13 देशों के साथ मिलकर ये साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया। और यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यह सिंगापुर की साइबर सुरक्षा एजेंसी CSA के सहयोग से सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया गया। तो मूल रूप से इसमें जो सहयोगीकर्ता के रूप में मतलब शामिल था इसमें ये सिंगापुर की जो साइबर सुरक्षा एजेंसी है CSA, इसका कह सकते हैं एक अहम रोल था, इसे कह सकते हैं सहायता से इसे डिजाइन और संचालित भी किया गया था। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट इसके थीम के बारे में है कि इसका थीम क्या है, कि इस विषय पर ये सुरक्षा अभ्यास आयोजित था। तो रैनसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना, ये इसका 2022 का थीम था। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर सिनर्जी जो कि एक साइबर सुरक्षा अभ्यास है इनसे संबंधित है जो कि भारत द्वारा अभी हाल ही में आयोजित हुआ। नेक्स्ट होगा हमारा आठवां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही में सुरक्षा मामलों से संबंध कैबिनेट समिति ने Tejas 2.0 मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, और बताएं कि तेजस क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में इसे रखेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा LCA अर्थात लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमारा इसमें पहला पॉइंट होगा कि Tejas 1 की अपार सफलता के बाद सुरक्षा मामलों से संबद्ध कैबिनेट समिति ने Tejas Mk2 परियोजना को हाल ही में मंजूरी दे दिया है, और इसके तहत यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि Tejas Mk2 फाइटर जेट के डिजाइन और विकास और साथ साथ उड़ान परीक्षण और प्रमाणन के लिए 6,500 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट है कि Tejas 2.0 स्वदेशी तेजस हल्के लड़ाकू विमान LCA का एडवांस संस्करण होगा। ठीक है, ये कह सकते हैं एक हल्का लड़ाकू विमान है जो कि आपको ध्यान रखना है कि ये अभी हाल ही में इसको लेकर के प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए हमारा अगला पॉइंट Tejas 2 के बारे में है कि इसकी जो क्षमता है ये 4 टन होगी, और Tejas 1 की बाहर की क्षमता जो थी ये 3 टन थी। ठीक है, तो ये सारी बातें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हमारा अगला होगा नवा प्रश्न। ये प्रश्न आपको ध्यान रखना कि हाल ही में चर्चा में रही द हीरो ऑफ टाइगर हिल नामक पुस्तक किसकी आत्मकथा है, इम्पॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में आप इसे रखेंगे, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि योगेंद्र सिंह यादव, ऑप्शन नंबर सी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहां पर इनकी आत्मकथा की इस बुक की कवर पेज को इस इमेज में देख सकते हैं। हमारा यहां पर पहला पॉइंट होगा कि पुस्तक द हीरो ऑफ टाइगर हिल भारत की सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित सूबेदार मेजर मानद कैप्टन योगेंद्र सिंह की जीवन पर आधारित है, या फिर इनकी ये जीवनी है जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना इस पुस्तक को सृष्टि पब्लिशर द्वारा प्रकाशित किया गया है। अब यहाँ पर इसकी बात करें तो कारगिल युद्ध के दौरान 4 जुलाई 1999 को उनकी दृढ़ साहस के लिए सर्वोच्च भारतीय सैन्य सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। तो इन सब बातों को यहाँ पर देखने के बाद आप स्वाभाविक तौर पर कह सकते हैं कि मात्र 19 वर्ष की आयु में परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है। इनका नाम याद रखिए योगेंद्र सिंह यादव, और ये बिहार नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इसी चीज़ को यहाँ पर हमने लिखा है कि कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में हुआ था। तो इनसे संबंधित ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए, ये इनकी आत्मकथा है द हीरो ऑफ टाइगर हिल।
अब यहां पर हमारा अगला है 10वां प्रश्न। प्रश्न की निम्नलिखित में से किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित किया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपको ध्यान रखना, इसे कई बार स्थगित किया गया है, वो डिटेल जानकारी आप यहाँ पर देखेंगे। तो हमारा यहाँ पर पहला पॉइंट होगा कि 19वीं विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 17 से 19 मार्च 2023 तक नानजिंग चीन में आयोजित होने वाली थी, जिन्हें के भी हाल ही में स्थगित कर दिया गया। हालांकि इससे पहले भी कई बार स्थगित किया गया है। तो ऐसे में हमारा दूसरा पॉइंट है कि हालांकि इससे पहले जनवरी 2022 में इस आयोजन को कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2021 तक के लिए स्थगित किया गया था, यानी कि ये जनवरी 2020 में आयोजित होना था, कोविड महामारी को देखते हुए इसे मार्च 2021 तक के लिए पोस्टपोन किया गया था, यानी कि स्थगित किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, फिर से दिसंबर 2020 में इस आयोजन को कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2023 तक के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन पुनः से अभी हाल ही में इसे स्थगित किया गया है। तो ये सारी बातें यहाँ से ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखिए, हमने चीन के बारे में एक एक्स्ट्रा फैक्ट को शामिल किया है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा इसकी जानकारी हमने कुछ समय पहले ही आपको दिया था। तो ये जानकारी यहाँ पर यह है कि इस वर्ष जारी वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2021 में चीन 12वें स्थान पर रहा, जबकि भारत की बात करें तो भारत 54वें स्थान पर है, और शीर्ष स्थान की बात करें तो शीर्ष स्थान पर जापान रहा है। तो ये सारी बातें यहाँ पर है संबंधित वैश्विक यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक से संबंधित, ये सारी बातों को नोट कीजिएगा। नेक्स्ट होगा हमारा 11वां प्रश्न। ये प्रश्न है कि टाटा ग्रुप के किस पूर्व चेयरमैन का हाल ही में सड़क दुर्घटना में मौत हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा साइरस मिस्त्री, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप यहाँ पर इन्हें इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूँ कि टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का 54 वर्ष की आयु में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुआ है, और यह हादसा महाराष्ट्र के पालघर में हुआ है। हालांकि ये सारी बातें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि किस कंपनी के पूर्व चेयरमैन थे, टाटा ग्रुप के ये पूर्व चेयरमैन थे, और इनका कार्यकाल आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि वे 2012 से लेकर के 2016 तक भारत की प्रमुख उद्योग समूह टाटा ग्रुप के चेयरमैन पद पर रहे थे। लेकिन इसी दौरान दोनों के बीच, यानी कि कह सकते हैं टाटा ग्रुप और साथ साथ जो चेयरमैन थे साइरस मिस्त्री, इनके बीच विवाद बढ़ता गया, जो कि कुछ ऐसे फैसले थे जिसमें कि साइरस मिस्त्री और रतन टाटा के बीच विवाद हुआ, और विवाद के बाद 2016 में उनसे, यानी कि साइरस मिस्त्री से चेयरमैन का अधिकार ले लिया गया था, और मामला इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। यहीं पर हमने इस पॉइंट को लिखा कि विवाद इतना बढ़ चुका था कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। हालांकि इनका पारिवारिक संबंध भी था रतन टाटा और साइरस मिस्त्री का, तो उसी चीज़ को यहाँ पर हमने शामिल किया है कि साइरस मिस्त्री की बात करें तो साइरस मिस्त्री की जो बहन थी अल्लू, उनकी जो शादी हुई थी वो नोएल टाटा से हुई थी, और नोएल टाटा की बात करें तो वे रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस तरह से कह सकते हैं, एक तरह से इन्हें कह सकते हैं दोनों संबंधी भी थे। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विवाद हुआ था 2016 में, फिर से इन्हें अधिकार छीन लिया गया था। तो ये सारी बातें यहाँ पर आपको याद रखना है, हो सकता है कि यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बने। नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर 12वां प्रश्न। ये प्रश्न कि हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य में विशाल दवा पार्क बनाया जाएगा। तो नवीनतम घोषणा के आधार पर आंध्र प्रदेश में एक विशाल दवा पार्क बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको ध्यान रखना है कि नवीनतम घोषणा के अनुसार आंध्र प्रदेश में विशाल दवा पार्क बनाया जाएगा, और इसको लेकर केंद्र सरकार 1,000 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद भी करेगा। तो ये सारी बातें यहाँ पर इनसे संबंधित है, नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो 67 बीपीएससी प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज चला जा रहा है, जो 50 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हिंदी में आपके लिए ऑनलाइन और पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध है, तो शिक्षक दिवस के अवसर पर ये केवल और केवल 51 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। आप इसे आप जल्दी से जाकर एप्लीकेशन पर ज्वाइन कीजिए। 50 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको मिल रहा है केवल और केवल 51 रुपये में। ये ऑफर पीरियड में आप इसे ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको फ़ायदा मिलेगा, अन्यथा ये आपके लिए जो इसका जो फ़ी है एक्चुअल फ़ी, उतने में ये आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो ऑफर का लाभ उठा के इसे जरूर ज्वाइन कीजिए, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बेहतर होने वाली है। हालांकि इसके अलावा हमारे जितने भी कोर्स है, करंट अफेयर्स वाले कोर्स, खास करके करंट अफेयर्स कोर्स वाले में भी एक डिस्काउंट आया, केवल और केवल 100 रुपये में आप यहाँ पर एक वर्ष के लिए करंट अफेयर्स की पत्रिका को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डेली और मंथली बेसिस पर यहाँ पर आपको मिलता है। इसमें बहुत सारे फायदे आपके शामिल हैं, 2021 का भी करंट अफेयर्स इसमें आपको मिल जाएगा, तमाम चीज़ें आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी। अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में भारत किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है। कंप्लीट जानकारी हमने आपको यहां से दिया है, बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और दोस्तों, अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।
अब यहाँ पर आपके पास बहुत कम समय बचा है, और ऐसे में जितने भी मटेरियल आपने हमारे एप्लीकेशन के थ्रू परचेज किया है वहाँ से जो आपको मिला है सभी को आप लोग रिवाइज कीजिए। ये मेरा आपसे वादा है कि सारे के सारे जो एग्ज़ाम होंगे आपके एक प्रश्न यहाँ ही से बनेंगे, आप इस चीज़ के लिए श्योर रहें। अभी हाल ही में CDPO वाला एग्ज़ाम हुआ था, जो BPSC वाला एग्ज़ाम हुआ था, एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था 8 मई को, जो आयोजित हुआ था, रद्द हुआ था जो, और अभी हाल ही में ऑडिटर वाला एग्ज़ाम हुआ था, सारे करंट अफेयर्स हमारे मटेरियल से पूछे गए हैं। आपको यकीन ना हो तो मटेरियल में देखिए और प्रश्न पत्र को मिलाइए, ये हूबहू आपको मिल जाएगा। कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं, अभी हाल ही में जो ऑडिटर वाला एग्जाम हुआ, एक प्रश्न ऐसा था उसमें से हूबहू वही प्रश्न को हमारे नोट से छाप दिया गया था। इसका सीधा सीधा अर्थ ये बनता है कि हो सकता है क्वेश्चन सेटर की नज़र हमारे मटेरियल पर रही होगी, क्योंकि एकदम से सारे विकल्प, मतलब कि कह सकते हैं प्रश्न और विकल्प हूबहू मैच करना एक मायने रखता है, क्योंकि हमने जो प्रश्न को सेट किया है वो खुद से सेट किया है। तो मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि जो क्वेश्चन सेटर है उनकी नज़र यहाँ पर रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर आपके लिए है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करेंगे तभी आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।